नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी खेल की, सिर्फ खेल की नहीं, हमास वाले खेल की और उस पर पर्दे की। कहा जाता है कि स्पोर्ट्स दुश्मनों को दोस्त बना सकता है, नफरत मिटा सकता है, गिले शिकवे दूर कर सकता है, लेकिन शायद मॉडर्न एज में खिलाड़ी इस खेल भावना को भूल चुके हैं, क्योंकि बीते दिनों पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी सेंचुरी और जीत गाजा को समर्पित कर डाली, लेकिन एक बार भी इजराइल पर हुए टेररिस्ट अटैक का जिक्र तक नहीं किया। और अब पाकिस्तान के 9 और क्रिकेटर्स ने ट्विटर के जरिए गाजा को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन इनमें से किसी ने भी 39 बच्चों के बारे में नहीं सोचा, नहीं बोला, जिन्हें हमास के आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला, औरतों को उठा के ले गए, उनका रेप किया। यानी अब बात सिर्फ धर्म की है और उनके लिए धर्म सबसे ऊपर है, ना इंसानियत, ना संविधान, ना देश। इस संकीर्ण मानसिकता की हद देखिए, मोहम्मद रिजवान शतक बनाए तो मैदान में उसका नमाज पढ़ना सबको सही और सेकुलर लगता है, लेकिन अगर भारत की जीत के बाद अगर दर्शक ग्राउंड में जय श्री राम का नारा लगाए तो पाकिस्तान से लेकर हमारे देश की सेकुलर ब्रिगेड तक सब तिलमिला उठ जाते हैं। हमारे देश के कई नेता और मुस्लिम धर्मगुरु तो इतने विचलित हैं, इनमें से कुछ खुलेआम हमास को आतंकी संगठन मानने से इंकार कर देते हैं, कुछ भारत के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बता रहे हैं, तो कुछ गाजा के बहादुरों को यहां से हिंदुस्तान से सलाम भेज रहे हैं। क्या राम नाम से परहेज और हमास के आतंक पर सिलेक्टिव साइलेंस सोची समझी रणनीति है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम पर गर्दा, आतंक पर क्यों है पर्दा? देश के युवाओं के बीच देश के एक्सपर्ट्स के साथ होगा आज का सबसे बड़ा संवाद। और मेरा निवेदन है कि रिमोट को उस तरफ रख लीजिए, क्योंकि आज का संवाद बहुत बहुत जरूरी है। और इस संवाद से आतंक का दहन करना, क्योंकि रावण दहन हम करते हैं ना, आतंक का दहन करना बहुत जरूरी है। स्टेडियम भारत का, जीत भारत की, नारे जय श्री राम के, इससे किसी को परेशानी क्या हो सकती है? जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? अब ये दो तस्वीरें देखिए, सनातन विरोधी ब्रिगेड को एक पर आपत्ति है लेकिन दूसरी पर संपूर्ण सन्नाटा। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर रिजवान ने शतक पूरा करने पर नमाज पढ़ी तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत को जीतता देख लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो स्यूडो सेक्युलरिज्म के पीड़ित तुरंत बाहर आ गए। इतना ही नहीं, इसी पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान ने पाकिस्तान की श्रीलंका पर जीत को गाजा के भाइयों के नाम कर दिया तो किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमास को आतंकी का झुंड बताने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। उल्टे आतंकियों को फलस्तीन के नाम पर खुलकर कवर फायर दी गई। मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है लेकिन दुनिया तमाशाई बनी हुई है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है। वो जुल्म हुआ है उसमें इजराइल जितना दोषी है, नरेंद्र मोदी उससे कम दोषी नहीं है। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। सवाल ये है कि जय श्री राम पर सियासी गर्दा उड़ाने वाले क्या आतंक पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? और आज की इस बड़ी चर्चा में जनता जनार्दन जोरदार तालियां उनके लिए, देश के युवा हैं। और मेरे साथ आज मंच पे मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, लेफ्ट के नेता आइडियोलॉग विवेक श्रीवास्तव, तस्लीम रहमानी लीडर एमपीसीआई के, आपका अभिनंदन है। और मेरे साथ एक्सपर्ट्स का एक
लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ निरंजन पोद्दार है, मेरे साथ एहसान अब्बासी है, मेरे साथ सैयद जवाद जी है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी है। जोरदार तालियां हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी। चलिए तो आपका अभिनंदन है, इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। राम नाम पे गर्दा है, आतंक पे पर्दा है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, खेलों में भी अब राजनीति होने लगी है, खेलों में भी राम नाम होने लगा है। क्यों, किस लिए?